हाँ बच्चों, आज आप लोगों का पहला क्लास है। इसके पहले आप लोग टू क्लास में काउंटिंग नंबर पढ़कर आए हैं। गिनती, पहाड़ा, नंबर नेम, नंबर नेम, एक्सटेंडेड फॉर्म, ऐड, सब्ट्रैक्ट, छोटा छोटा मल्टीप्लाई, यानी 1000 तक के नंबर के बारे में आप लोग टू क्लास में पढ़े हैं। किस क्लास में आप लोगों को 1000 के ऊपर के नंबर से पढ़ने को मिलेगा? सबसे पहले नंबर के बारे में आप लोगों को बताते हैं जो आप लोग पिछले क्लास में पढ़कर आए हैं। पहला चित्र है नंबर, नंबर्स। नंबर्स में आप लोग काउंटिंग नंबर पढ़े हैं। काउंटिंग नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 100 तक। दूसरे ग्रुप में 101 से 200 तक। तीसरे ग्रुप में 201 से 300 तक। इस तरह से आप लोग 1000 तक का काउंटिंग पढ़े हैं। तो उस काउंटिंग नंबर के बारे में हम यहाँ पर कुछ विशेष जानकारी लेंगे। जैसे काउंटिंग नंबर आप लोग 1 से शुरू करते हैं, 9 तक जाते हैं, तो 1 से 9 तक में केवल 1 डिजिट का नंबर होता है। टोटल नंबर ऑफ 1 डिजिट 1 से 9 तक, ये 1 डिजिट का नंबर कहलाता है। इस नंबर में 1 जो है वो 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कहलाता है और 9 जो है वो 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कहलाता है। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट इक्वल टू 1 होगा और ग्रेटेस्ट नंबर टू डिजिट 9 होगा। 1 डिजिट का नंबर 1 से 9 तक होता है। 1 को स्मॉलेस्ट नंबर बोलेंगे 1 डिजिट का और 9 को 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कहेंगे। इसके बाद 9 के बाद आप काउंटिंग नंबर पढ़े हैं 10। 10 से ये नंबर 99 तक ये 2 डिजिट का नंबर होता है। टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट इक्वल टू 10 से लेकर के 99 तक, तो जहां से स्टार्ट होता है वहां 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कहलाता है और जहां अंत होता है 2 डिजिट का वह 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कहलाता है। द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट इक्वल टू 10 और द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट इक्वल टू 19। कोई दिक्कत? 2 डिजिट का जहां से नंबर स्टार्ट होता है उस नंबर को हम स्मॉलेस्ट नंबर बोलेंगे और जहां तक लास्ट करता है 2 डिजिट का नंबर उस नंबर को हम ग्रेटेस्ट नंबर बोलेंगे। कोई दिक्कत? आगे देखिए, 99 के बाद काउंटिंग नंबर में आप लोग क्या पढ़े हैं? 100। तो 1
करती है, 101 से काउंटिंग करते हुए 200, 300 ऐसे करते हुए आप जाते हैं 999 तक। तो 100 से 200, 201 से 300, 301 से 400, इस तरह आप लोग 10 ग्रुप में 1000 तक का नंबर पिछले क्लास में पढ़े हैं। तो ये जो 100 से 999 तक का जो नंबर हुआ वो 3 डिजिट का नंबर होता है, टोटल नंबर्स ऑफ 3 डिजिट 100 से लेकर 999 तक। अब इसमें देखिए 3 डिजिट का नंबर कहां से स्टार्ट हुआ, 100 से। तो ये 100 जो हुआ वो स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट इज इक्वल टू 100। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट इज इक्वल टू 999। आप 1000 तक पिछले क्लास में पढ़े हैं और हमें 999 तक नंबर के बारे में आपको बताया। 3 डिजिट का नंबर 100 से 999 तक होता है, तो जहां से शुरू होता है वह स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 3 डिजिट का, और जहां लास्ट करता है वो 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। इसके बाद 999 के बाद आप लोग पढ़े हैं काउंटिंग नंबर में 1000 में देखिए कितना डिजिट हुआ, 1, 2, 3, 4 4 डिजिट का नंबर शुरू हो गया। तो यह 4 डिजिट का नंबर होता है 9999 तक। ये टोटल नंबर और 4 डिजिट का हुआ। तो 4 डिजिट का नंबर जहां से स्टार्ट होता है वह नंबर उस डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कहलाता है, और जहां जिस नंबर पर यह समाप्त होता है वह नंबर इस डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कहलाएगा, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इज इक्वल टू 1000, और द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इज इक्वल टू 9999। हम आप लोग पिछले क्लास में राइट इन वर्ड पढ़े हैं। राइट इन वर्ड में आप लोग 3 प्लेस पढ़े हैं, 1, 10, 100। वह इंडियन सिस्टम का, इंडियन सिस्टम में आप लोग 3 प्लेस पढ़े हैं, 1, 10, 100। अब आप इस क्लास में 100 के बाद पढ़ेंगे 1000 और 10000। दो प्लेस आपका इस कक्षा में बढ़ जाएगा
तो ये आपको प्लेस याद रखना पड़ेगा, वंस, टेन्स, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, ये पांचों प्लेस आप याद रखेंगे तो आप नंबर नेम, एक्सटेंडेड फॉर्म, प्लेस वैल्यू आसानी से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए किस नंबर को कौन सा प्लेस कहेंगे, जैसे एक एग्जांपल में बताते हैं 3, 4, 5, 6, इसमें इस प्लेस को हम वंस प्लेस कहेंगे, इसको टेन प्लेस बोलेंगे, इसको हंड्रेड प्लेस बोलेंगे और इसको थाउजेंड प्लेस बोलेंगे। वंस प्लेस इसको टेन प्लेस ये, हंड्रेड ये और थाउजेंड प्लेस ये, इतना चीज आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। इसके बाद पहला चैप्टर में आपको पीछे क्लास का कुछ रिवीजन एक्सरसाइज दिया गया है जिसे आप लोग अब पढ़ेंगे।